कैबिनेट में आधी अधूरी तैयारियों के साथ अध्यादेश लाना झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए भारी पड़ा है। कोरोना रोकथाम के नाम पर 1 लाख के भारी भरकम जुर्माने से पीछे हटते हुए सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि दंड की राशि अभी तय नहीं है। राज्य सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि आगे रेगुलेशन जारी कर नियम के उल्लंघन के हिसाब से दंड की राशि तय की जाएगी। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से राज्य से संबद्ध संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आम लोगों में जुर्माने को लेकर फैली भ्रांतियां सही नहीं है। ये कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए फौरी तौर पर किया गया उपाय है। जुर्माने की राशि अभी तय नहीं है। बता दें कि इस अध्यादेश के बारे में लोगों के पास ये संदेश ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। सरकार चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही है और अब जल्द ही इसका संशोधित स्वरूप सभी के सामने होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर अंकित होगा कि किस अपराध के लिए कौन सा जुर्माना लगेगा और सजा की मियाद कितनी होगी। फजीहत के बाद स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग आपस में एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तर्क दे रहा है कि मास्क लगाकर चलने का निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया है तो आपदा प्रबंधन इससे इनकार कर रहा है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग इस अध्यादेश के तहत अलग अलग अपराधों में जुर्माने की राशि तय करने में जुटा है। झारखंड में अध्यादेश पारित होने के बाद इस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोग जुर्माने की रकम पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। सूत्रों की माने तो इस मामले और मैट्रिक इंटर में टॉपर छात्रों को पुरस्कार देने के मामले में मंत्रियों ने भी सुधार करने का परामर्श दिया था, लेकिन इन परामर्शों को दरकिनार कर दिया गया है। सीनियर नेताओं ने कहा है कि अभी अधिकतम जुर्माने की राशि तय हुई है, सभी अपराधों के लिए धीरे धीरे जुर्माना तय होगा। टॉपर छात्रों के मामले में 2 मंत्रियों का तर्क था कि पुरस्कार सरकारी स्कूल के बच्चों को ही मिले, लेकिन बहुमत इस पक्ष में रहा कि राज्य का नाम रोशन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए।